नमस्कार, प्रणाम। आज विश्व हिंदी दिवस है। आप सभी हिंदी बोलने वाले, हिंदी समझने वाले, हिंदी पढ़ने वाले और हिंदी से प्रेम करने वाले लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे हमारी माँ हिंदी बहुत ऊंचाइयों तक जाए। और किसी भी माँ की पहचान उसकी संतान से होती है, तो आशा करती हूँ हमारी हिंदी माँ की संतान हमारी हिंदी को उत्थान तक पहुंचाएगी। और जैसा कि बना हुआ है कि हीन भावना से देखने की स्थिति, तो वो ना रहे और लोग इसे सम्मान की दृष्टि से देखें। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह सुनाने जा रही हूँ। चूंकि मानसरोवर भाग एक बीपीएससी के सिलेबस में भी है, तो मैं सिलेबस के अनुसार मानसरोवर भाग एक की ये दूसरी कहानी है। पहली कहानी का मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, ये दूसरी कहानी है। जो लोग कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं किताब से, तो वो किताब से पढ़ें, अच्छी बात है। और अगर सुनना चाहते हैं तो वो सुनकर भी समझ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ईदगाह, ईदगाह की पृष्ठभूमि है कि ईदगाह का मेला लगा हुआ है। ईद है, ईद का त्यौहार है और एक हामिद नाम का इसका लीड करेक्टर है, उसकी एक कहानी है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। जब मन खुश होता है ना, तो हमें अपने आसपास की सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखती हैं, और जब मन दुखी होता है तो उन्हीं चीज़ों में हमें दुख की अनुभूति होती है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर भी कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। गांव का दृश्य है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते हैं। आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवइयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबें तो कुबेर अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उनके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे।
अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, फिर बच्चों की आशा। उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोट काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागे नमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगौड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बदल विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद के बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मिले जाने दे उस भीड़ भाड़ में? बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटे घंटों चीजें जमा करते लग जाएंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध ही दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटवे में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन और नायन और मेहतरानी और चूड़ियारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आंख नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी और मुंह क्या चुराए? साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। सब दौड़कर आगे निकल जाते और किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग कितना इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। कभी वह थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से 1 फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं अभी तक पढ़ने जाते हैं? ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। कमेंट्स तो बहुत अच्छा है, क्या करेंगे इतना पढ़कर, क्योंकि पढ़े लिखे लोग फिर अपनी ही पॉकेट पालने में लग जाते हैं। जिस समाज के लिए वो सोशल इशूज पढ़ते हैं, वास्तव में फिर वो उस समाज के काम नहीं आ पाते। तो आप लोग अधिकारी बनकर कम से कम समाज की
कुछ व्यथाएं मिटाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। हामिद के मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या, क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछों दाढ़ी वाले और मैं खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सकें, घुमाते ही लुढ़क ना जाए, महमूद ने कहा। हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, पांच घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम का एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती? मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि उन्हें ना पा सका। सच। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मनो होंगी, सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें रोक नहीं सकते जनाब, आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे हैं, पाँच मिनट में कहो कलकत्ता पहुँच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे? मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें खुश करते होंगे, कोई मुझे भी वह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं, कोई चीज़ चोरी चली जाए चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 30 दिन हैरान हुए कहीं ना मिला, तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यहाँ सब कांस्टेबल कयावत करते हैं, रेटन फाइफो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो, अजी हजरत यह चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिलते रहते हैं, रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोलें, लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाए, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाला तो यह खुद है, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है, हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा, कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे, फिर ना जाने कहां से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद 150 से
100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। कहां 50, कहां 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो दो थैलियों में भी ना आवे। अब बस्ती घने होने लगी थी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थीं, जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। पक्के जगत के नीचे तक जहां जाजिम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी मसामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लकड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, तीन ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोष का तिहाई हिस्सा जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कयामत किए चला आ रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुँह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेला चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चला आ रहा है। यह सब दो दो पैसे के खिलौने हैं, हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, खिलौना कई हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। मोहसिन, मेरा भिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आवेगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचता रह जाता है,
खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है, अभागी के पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन यह जानकर भी वह उनके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तभी से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर की ही तो खुशी होती है। फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूहे चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आवे तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाएं, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं, सभी पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी, तब घर के पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी जवान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएंगी, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सुलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिढ़ा चढ़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, बिकाऊ है क्यों नहीं, तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी।
बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगावे, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, दो आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बजने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो सब खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में पानी में तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कप के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है, बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के दो दल हो गए हैं, मोहसिन महमूद सम्मी और नूर एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है, सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति, एक ओर मिट्टी है दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ मिस्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चौंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका, उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा बुलाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से ही भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ आई, तुम्हारे चिमटे का मोह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील सिपाही और बिस्ती लौनियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंदी कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई थी कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जावे बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है, अब इसमें मोहसिन महमूद नूरे सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला।
अब इसमें औरों ने तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके, हम इतने तीन पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा विस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच, यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता अब बोले अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा? महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मारना पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देख कर होंगी। तीन पैसे में ही तो उसे सब कुछ करना था। उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सब खिलौनों का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने न केवल हामिद को साझी बनाया, उसके अन्य मित्र ताकते रह गए, वह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी की जो उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। मियाँ नूरे की वकील का अंत उसकी प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा। दीवार में दो खूंटियां गाड़ी गईं, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरी पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया। अदालतों में खास खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि गोर पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों पर चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है, उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए, गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई, अब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था, अब वह सिपाही सन्यासी हो गया, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया, अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो, कभी कभी तो उसे
बाट का काम भी किया जाता है। बाट मतलब जो तौलने के लिए रखते हैं। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो ये थी हामिद की कहानी ईदगाह। आप भी सुनिएगा, बच्चों का खेल खिलौने के प्रति प्रेम और स्नेह और उनकी बातें देखकर लगता है हम स्वयं बालक हो गए, और भावुकता भी इतनी कि गला भराए आंसू छलकाएं। आप लोग इस कहानी को सुनिएगा। जो बीपीएससी दे रहे हैं वो व्याख्या के लिए सुने, सिलेबस के अनुसार सुने, और जो ऐसे भी कहानी सुनने में रुचि रखते हैं तो इस कहानी को सुने, इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।